ईरान के हमले का पलटवार करके पाकिस्तान ने माहौल बिगाड़ दिया है। ये बवाल कब युद्ध में बदल जाए कोई नहीं जानता, मगर जिस तरह से पाकिस्तान दावा कर रहा कि उसकी वायुसेना ने ईरान में घुसकर कुछ ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद ईरान भी शांत नहीं बैठने वाला। हालांकि इस हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत का नाम भी घसीटा है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई देते वक्त ये कहा कि भारत ये बात जरूर समझेगा जो कार्रवाई आज पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा में की है। हालांकि इसके जवाब में भारत ने भी अपना पक्ष रख दिया है। पाकिस्तान में ईरान की एयर स्ट्राइक को भारत ने आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया। भारत ने कहा कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। देखा जाए तो ये बवाल तब बढ़ा जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ईरान ने एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हुए ईरान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। लेकिन ये मामला इतने पर ही नहीं रुका, पाकिस्तान ने भी ईरान के इस हमले का पलटवार कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान के सिस्तानो बलूचिस्तान में जवाबी सैन्य हमले में कई आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान की तरफ से ये पलटवार ईरान के हमले के दो दिन बाद हुआ। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने JF-17 से इस हमले को अंजाम दिया। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सारावन शहर में कई विस्फोट भी सुनाई दिए। इसी पलटवार के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत का जिक्र किया। अपने प्रेस रिलीज के दौरान भारत का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ये बात जरूर समझेगा जो कार्रवाई आज पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा में की। देखा जाए तो पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। भारत पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है, दूसरी तरफ भारत ईरान के संबंध काफी अच्छे हैं। ऐसे में भारत का विरोध झेलना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। खैर, भारत ने भी इस बवाल से अपना पलड़ा झाड़ लिया है और कह दिया है कि ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला है। अब ईरान की मिसाइलों के आगे पाकिस्तान टिक पाता है या नहीं, देखना ये होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।